नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विजय। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। खुर्जा में बिस्तर में पड़ा मिला महिला का शव, पति काम पर गया था, सुबह लौटा तो जानकारी हुई, पुलिस कर रही जांच। बुलंदशहर जिले में शुक्रवार की सुबह एक महिला का शव उसके बिस्तर में पड़ा मिला। सुबह पति ड्यूटी से लौटा तो शव देखकर उसके होश उड़ गए। उसने उसकी सूचना पुलिस को दी। खबर मिलने पर आसपास के लोग जमा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की निरीक्षण करके जानकारी ली है, जांच कर रही है। घटना खुर्जा कोतवाली के मदनपुर गांव की है। यहां वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी संतोष देवी 30 वर्ष व परिवार के साथ रहता है। वीरेंद्र एक पोल्ट्री में कारखाने में काम करता है। बीते दिन वह काम पर गया था, घर पर पत्नी संतोष थी। सुबह जब वीरेंद्र काम से घर लौटा तो पत्नी का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। वीरेंद्र ने इसकी सूचना जंक्शन चौक की पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके का मुआयना करके जानकारी ली, पति से बात करके जानकारी जुटाई, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, मामले की जांच कर रही है। चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले, बीमारी से मौत की संभावना है। डीएनए मिलान नहीं होने से निरपराध नहीं हो जाएगा आरोपी, यह केवल सहायक साक्ष्य हाईकोर्ट। कर्नाटक उच्च न्यायालय में कहा है कि डीएनए नमूने का मिलान नहीं होने से आरोपी निरपराध साबित नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह केवल सहायक साक्ष्य है। अदालत ने 23 वर्षीय बस कंडक्टर की याचिका खारिज कर दी, जिस पर 12 वर्षीय एक रिश्तेदार के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती कर देने का आरोप है। डीएनए जांच से इस बात का पता चलने के बाद कि कंडक्टर के रक्त का नमूना और भ्रूण के रक्त का मिलान नहीं होने पर आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। आरोपी मैसूर का रहने वाला है। उससे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण प्रॉक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता IPC के तहत आरोपित किया गया। पीड़िता की मां ने 19 फरवरी 2021 को एक शिकायत दर्ज कराई थी। बस कंडक्टर पर आरोप है कि उसने बच्चे का यौन शोषण किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जबकि डीएनए जांच की रिपोर्ट अभी लंबी थी। जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि आरोपी और भ्रूण रक्त के नमूने का मिलान नहीं हो रहा है। आरोपी ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि पीड़िता के गर्भवती होने के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। न्यायमूर्ति नाग प्रसन्ना ने कहा कि याचिकाकर्ता के वे सभी अक्षम कृत्य है, जब तक कि वह निर्दोष साबित न हो जाए पीड़िता के इस बयान को खारिज नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता ने जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाए थे। मेरठ में घूम रहे बाघ शावक की तस्वीर कैमरे में हुई कैद। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित प्रतिष्ठित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ के 650 एकड़ क्षेत्रफल वाले परिसर में पिछले 5 दिनों से विचरण कर रहे बाघों के एक शावक की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। शावक को पकड़ने के प्रयास जारी है। इसके पहले एक अधिकारी ने बाघ के पंजों के निशान मिलने पर और परिसर में किसी बड़े बाघ की मौजूदगी की पुष्टि की थी, लेकिन वन अधिकारियों ने अब कहा कि इस संस्थान के लोगों को खतरा नहीं है। परिसर में बाघ का प्रवेश करने के बाद गुरुवार को सुरक्षा कारणों से इस संस्थान को ऑनलाइन कक्षाएं लगाई गई थी। भोपाल के वन मंडल अधिकारी आलोक पाठक ने कहा कि हमारे कैमरे ने शनिवार को मेरठ परिसर में T123 बाघिन से पैदा हुए 2 साल के अधिक उम्र के बाघ 1234 की तस्वीरें खींची है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।